स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन ESG घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। बी. पर्यटन को बढ़ावा देना। सी. नए गांव बनाएं। डी. वन क्षेत्र बढ़ाना। आंसर ए. सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। एक्सप्लेनेशन: सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास 1.84 लाख हेक्टेयर को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESG घोषित किया है। लक्ष्य सतत विकास की अनुमति देते हुए गिर में एशियाई शेरों की रक्षा करना है, जो उनका एकमात्र प्राकृतिक घर है। अगला प्रश्न। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए. 37वां, बी. 39वां, सी. 41वां, डी. 43वां। आंसर बी. 39वां। एक्सप्लेनेशन: ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2024 में भारत ने कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है। भारत को 38.3 पॉइंट हासिल हुए। भारत ने इस इंडेक्स में बीते साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। बीते साल 38.1 पॉइंट के साथ देश 40वें पायदान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत केंद्रीय और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं के चार्ट में टॉप पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और UK हैं। अगला प्रश्न। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? ए. नोंगपो काकचिन, बी. खोंगजोम गांव, सी. उखरुल गांव, डी. एंड्रो विलेज। आंसर डी. एंड्रो विलेज। एक्सप्लेनेशन: पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। एंड्रो विलेज को उसकी प्राचीन अग्नि पूजा परंपरा और ऐतिहासिक मंदिर सहित उसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत के लिए चुना गया, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। स्थानीय समुदाय इस विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन में संलग्न होने, ग्रामीणों के लिए आय और रोजगार पैदा करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला प्रश्न। आईफा अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? ए. शाहरुख खान, बी. विकी कौशल, सी. रणबीर कपूर, डी. राजकुमार राव। आंसर ए. शाहरुख खान। एक्सप्लेनेशन: आईफा अवार्ड 2024 इस वर्ष अबू धाबी में आयोजित किया गया। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। शाहरुख ने AR रहमान और मणिरत्नम से पुरस्कार स्वीकार किया। वही बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए जीता। अगला प्रश्न। शाकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए. पाकिस्तान, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। आंसर डी. बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन: बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन चेन्नई टेस्ट में दोनों ही पारी में विकेट हासिल करने में नाकाम रहे थे। बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। T20 क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके इस धुरंधर ने भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट से पहले अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर अक्टूबर में खेली जाने वाली सीरीज करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी।